हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपश्री लेडीज टेलर में। आज हम 40 इंच चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसका माप हमने ब्लाउज से लिया है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं। ये अस्तर पहले हम कटिंग करेंगे, तो अस्तर को ओपन करेंगे हम इस तरह। ये देखिए, दो तह में है अस्तर, इसे हम एक तह में और फोल्ड करेंगे। ये चार तह में हो गया है कपड़ा। इस तरह बराबर से फोल्ड कर लीजिए। यहाँ से देखिए, हल्का सा तिरछा है कपड़ा, तो इसे हम बराबर से कट करेंगे। इस तरह बराबर से कट करने के बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव हमको 8 इंच का चाहिए। इसमें हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा ऊपर की सिलाई में जाएगा, हाफ इंच नीचे की सिलाई में जाएगा। यहाँ से देखिए, हम 3.5 इंच कम करके एक निशान लगा रहे हैं। यहीं से स्लीव की गोलाई देंगे। यहाँ से हम 5.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। इधर भी हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इस तरह से देखिए, हम स्लीव की गोलाई देंगे। इसी पे हम कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग कर लिया है हमने। इसके बाद अस्तर को ओपन करेंगे। इस तरह से देखिए, फिर से डबल तह में फोल्ड करेंगे। इस तरह डबल फोल्ड करके आप चौड़ाई माप लीजिए। आपको जितना चौड़ा चाहिए उतना आप डबल तह में फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद देखिए, हम लंबाई मापेंगे। तो लंबाई हमको 14.5 इंच चाहिए, तो हम 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा ऊपर की सिलाई में जाएगा, हाफ इंच हमारा नीचे की सिलाई में जाएगा। इस तरह निशान लगाएंगे 15.5 इंच पे। इस तरह सीधा मिला लेंगे। यहीं से हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, हम शोल्डर 6 इंच ले रहे हैं। गले की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं। यहाँ से देखिए, हम आर्म होल की गहराई ले रहे हैं 6 इंच पे। इस तरह सीधा मिलाएंगे। इस तरह बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से देखिए, 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। यहाँ से सेंटर पॉइंट लेंगे। यहाँ से हम चेस्ट का माप लेंगे। तो चेस्ट हमको 40 इंच का चाहिए, तो उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे। इसका चौथा हिस्सा होगा 10 इंच। तो 10 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 2 इंच का हम मार्जिन देंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इन तीनों निशानों से देखिए, इस तरह मिला के हम आर्म होल की गोलाई देंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमको 36 इंच का चाहिए। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे टक पॉइंट के लिए। 38 इंच पे इस तरह 4 तह में इंची टेप फोल्ड करेंगे। 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर भी हम 2 इंच का मार्जिन देंगे। और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह। गले की कटिंग हम सिलते टाइम करेंगे। इसी पे हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा पीछे का भाग है। इसके बाद देखिए, जो अस्तर है इसे हम 2 इंच बढ़ा के हमको रखना है। इस तरह बराबर से रख लेंगे अस्तर को। पीछे का भाग हम लेंगे और जैसा है उसी तरह से हम सेम लाइन ड्रॉ करेंगे।
नीचे से आपको 1 इंच बढ़ा के रखना है। देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं, नीचे से हम 1 इंच बढ़ा के रखेंगे। यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, 2 इंच और बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम इस तरह मिला लेंगे तिरछे में। इसके बाद देखिए हम गले का निशान लगाएंगे 3 इंच पे। गले की लंबाई हम 7 इंच रख रहे हैं, यहाँ भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह 1/2 इंच पे गले की गोलाई देंगे। इसके बाद हम यहाँ से देखिए इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे। 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और तिरछा मिलाएंगे इस तरह। यहाँ से 1/2 इंच कम करके आगे की आर्म होल की गोलाई देंगे। ऊपर से हम 11.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह। यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, इधर भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह सीधा मिलाएंगे। यहाँ से हम चेस्ट का माप लेंगे पहले, तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से देखिए 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहीं से कटोरी की गोलाई देनी है हमको। यहाँ पे हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह देखिए यहाँ से हम ये निशान को तिरछा मिलाएंगे, इधर भी हम इस तरह तिरछा मिलाएंगे। इस तरह से देखिए आपको कटोरी की गोलाई देनी है। इसी पे हम कटिंग कर लेते हैं। हमको आगे हुक और आई लगाना है, तो इसे भी हम अलग कर लेंगे। इस तरह अस्तर की कटिंग हो गई है। अब कपड़े पे हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए डिजाइन वाला कपड़ा है, तो हम इस तरह बराबर से अस्तर को रख के पिन से अटैच कर लेंगे ताकि कपड़ा इधर इधर ना हो। इस तरह बराबर से रख के हम इसी पे कटिंग करेंगे। जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया है सेम हमको कपड़े पे उसी तरह से कटिंग कर लेना है। बस आपको डिजाइन का ध्यान रखना है, जैसा डिजाइन है उसके हिसाब से आपको सेट करके कटिंग करना है। एक साइड का हमने कट कर लिया है, दूसरी साइड का भी इसी तरह हम कट करेंगे। देखिए हमने आगे का भाग भी कट कर लिया है, ये स्लीव का भाग है। तो ये डिजाइन को आपको दोनों को बराबर से रखना है डिजाइन, और इस तरह से सेंटर पॉइंट पे फोल्ड करके स्लीव रख के इस तरह कटिंग करेंगे। एक साइड हमारा कपड़ा कम है तो उधर हम ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे इंची टेप से हम माप लेते हैं कितना हमको कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये 4 इंच आ रहा है। इस तरह हम 4 इंच की 2 पट्टियाँ कट करेंगे। यहाँ पे इस तरह हम ज्वाइन करेंगे। इसमें हम आपको सिर्फ आगे की भाग की सिलाई बताएंगे। इस तरह से हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है, तो चलिए हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। स्लीव का और पीछे का भाग हम साइड में रखते हैं, हम सिर्फ आपको आगे की सिलाई बताएंगे। इस
तरह से उल्टे साइड से हम अस्तर को रखेंगे और एक 5 नंबर की सिलाई करेंगे। दूसरे भाग पे भी इसी तरह सिलेंगे। दोनों भाग पे हमने सिल लिया है। इस पे भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। कपड़े को और अस्तर को एक में अटैच करेंगे। दूसरा भाग भी इसी तरह सिलेंगे। दोनों भाग हमने सिल लिए हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जितना है उसे हम छाड़ देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छाट लिया है। इसके बाद देखिए ऊपर से इस तरह रखते हुए हम दोनों भाग को एक में अटैच करेंगे। डबल सिलाई करेंगे इस पे। एक लॉक की सिलाई करेंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट की भी सिलाई करेंगे। दोनों भाग पे हमने सिलाई कर लिए है। इसके बाद देखिए नीचे की साइड हम पट्टी अटैच करेंगे फोल्ड करने के लिए। एक दाब सिलाई लगाएंगे अस्तर पे। इसे अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए दूसरे भाग पे भी इसी तरह हम सिलाई कर लेंगे। दोनों भाग पे हमने सिलाई कर लिए है। इसके बाद हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। डबल सिलाई करेंगे। इधर हम हुक के लिए पट्टी अटैच कर रहे हैं। कहीं कुछ डाउट होगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट में लिखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताइएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करके प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई और कटिंग कर सकते हैं। कहीं कुछ डाउट होगा तो हमें बताइएगा। देखिए इस तरह से हमने आगे का भाग सिल लिया है। गले की सिलाई हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि जब हम पीछे का भाग सिलेंगे तो आगे के गले पे हम पाइपिन लगाएंगे। इस तरह से इसका लुक आया है। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।